हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़ तो आ गया नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे आरआरबी एंड बैंड नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन सो जो जो बच्चा चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम 1150 क्वेश्चंस कर चुके हैं इलेवन क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इलेवन हंड्रेड कम नहीं होते सो हर एक टाइप का क्वेश्चन है उन वीडियोज़ में और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज कोई भी बैच वो ज्वाइन कर सकता है स्पेशली फॉर आरआरबी बैचेस शुरू हो चुके है, दो हैं दो बैचेस हैं एक है वन फोर डबल नाइन का एक है टू फोर डबल नाइन का दोनों में डिफरेंस ये है वन फोर डबल नाइन का बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है सो so यहाँ पे हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एम सी क्यू क्लासेस टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर ये बैच उन बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिनका बेसिक क्लियर है एंड वो इंपॉर्टेंट चीज़ें करना चाहते हैं उन पर फोकस और एम सी क्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड अगर कोई बेसिक क्लियर करना चाहता है तो ये बैच एंड ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको प्रॉपरली थ्योरी बेसिक से स्टार्ट करनी है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे हम सबसे पहले फिर ऑल सब्जेक्ट्स की थ्यूरी करेंगे इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सब कुछ करवाऊंगी एम सी क्यू क्लासेज होंगी टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर तो कोई भी बात जो है आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डीले आज ही ज्वाइन कर सकते हैं बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है ठीक है सो so, डिले ना करते हुए आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो सो तो चलते हम अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है अ क्लाइंट इज डायग्नोज विद ग्लूकोमा विच सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट तो पेशेंट है ठीक है ग्लूकोमा वाला पेशेंट है तो कौन सा सिम्टम जो है क्लाइंट में नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि उसमें देखने को मिलेगा ऑप्शंस है हेलोज अराउंड द लाइट फ्लोटिंग स्पॉट्स इन द विजन अ येलो हेज अराउंड एवरीथिंग अ करटेन कमिंग अक्रॉस विजन सो so, ग्लूकोमा का जो पेशेंट होता है उसको हेलोज अराउंड द लाइट्स जो है मेन सिम्टम देखने को मिलता है लाइट्स के पास जाके उसे ऐसे लगता है छोटे छोटे सर्कल्स बने हैं ठीक है मतलब कि लाइट पे जाके उसको फोटो सेंसिटिविटी कह सकते हैं और उसको लाइट के पास जाके कुछ अजीब सा फील होता है अराउंड सर्कल सर्कल से देखने शुरू हो जाते हैं लाइट्स के पास जाके सो so, ये मेन सिम्टम जो है हमें देखने को मिलता है इन द ग्लूकोमा पेशेंट ग्लूकोमा आपने पढ़ा है तो दो तरह के होते हैं एक ओपन एंगल एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा दोनों से ही बहुत बार क्वेश्चन आते हैं सो so, ये इंपॉर्टेंट है तो आप ये अच्छे से टॉपिक करना नेक्स्ट है पेशेंट हैज कम टू वार्ड है आप किस चीज पे ध्यान दोगे में स्टार्ट करोगे आईवीन एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्लेस लाइट ऑन राइट साइड सो देखो हमेशा जब लीवर बायोप्सी वाला पेशेंट बायोपसी तो के बाद मेन होता है कि हम उसे राइट साइड पे लेटा दे बिकॉज ऐसा क्यों होता है राइट right साइड पे पिल्लो रखते हैं उसके राइट right साइड के नीचे स्लाइटली ताकि वहाँ पे प्रेशर मेंटेन हो जाए और ब्लीडिंग ना हो ठीक है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग लीवर बायोप्सी की सो so हमें हमेशा ये अंदर ध्यान रखना है कि पेशेंट अपने राइट साइड पर नीचे पिल्लो लेके है जो लेटा हुआ है क्योंकि पिल्लो से उस साइड पर प्रेशर डलेगा जहाँ पे आपने बायोप्सी किया है और वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अक्कर विद पेरेटोनाइटस with वुड नॉट लिखा है ये सो so इसमें से क्या चीज़ जो है पेरीटोनाइटस के साथ अक्कर नहीं होती अबडामिनल डिस्टेंशन डिफ्यूज अबडामिनल पेन हाई पिच्ड बावल साउंड कॉन्स्टिपेशन सो ऑब्वियसली हाई पिच्ड बावल साउंड जो है हमें पेरीटोनाइटस में देखने को नहीं मिलती ठीक है क्योंकि पेरीटोनाइटस में जो बावल साउंड है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज देखने को मिलती है बिकॉज जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन सो ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती हाँ अबडामिनल डिस्टेंशन बड़ा हो जाता है क्योंकि जब असाइटस होता है तो पूरी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड फिल्ड हो रखा होता है पेन भी होती है एंड कॉन्स्टिपेशन भी होती है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटस तो इसमें से कौन सा सिम्टम अल्सरेटिव कोलाइटस के साथ एसोसिएटेड है तो डंपिंग सिंड्रोम रेक्टल ब्लीडिंग सॉफ्ट स्टूल या फिर फिस्टूला सो ऑब्वियसली अगर किसी को अल्सरेटिव कलाइटस है तो हमें रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी बिकॉज जब जब पेशेंट स्टूल पास करेगा तो वहाँ पर पेरीस्टाल्ट मूवमेंट्स होने की वजह से पेशेंट के जो अल्सर्स हो रखे हैं कॉलन में वहाँ से ब्लीडिंग होगी और वो ब्लीडिंग थ्रू द जो है पीसीज आपको देखने को मिलेगी और पेशेंट के रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी सो so, ये सिम्टम हमें अल्सरेटिव कॉलाइटस में देखने को मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटस क्या है कॉलन में अल्सर फॉर्म हो गए हैं जिसकी वजह से पूरा कॉलन जो है इन्फ्लेम हो गया है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है नेक्स्ट so, है अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद डायरिया इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर द नर्स डेंटिसिपेट अ डिक्रीज तो एक पेशेंट है डायरिया वाला उसकी आप केयर कर रहे हो सो so, इनमें से कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर डायरिया में कि डायरिया ठीक हो रहा है डि, डायरिया डिक्रीज हो रहा है वो शो करेगा बॉडी टेम्परेचर टिश्यू टर्गर स्पेसिफिक ग्रेविटी पल्स रेट सो ऑब्वियसली इट्स अ टिश्यू टर्गर जो टिश्यू टर्गर होती है वो चेक करने पे आपको पता चलता है कि टिश्यू कितना ईजीली जो है मॉइस्चराइज है अगर तो टिश्यू को आप चेक करते हो हैंड के बैक साइड से चेक करते हो अगर वो बहुत लेट जो है अपनी पोजिशन पर जा रही है देन मतलब कि स्किन जो है इलास्टिक नहीं है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी है और अगर वो प्रॉपरली जा रही है देन इट मीन्स कि टिश्यू जो है प्रॉपरली हाइड्रेटेड है स्किन जो है प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड So, अगर टिश्यू अगर चेक करोगे और वो प्रॉपरली आ रही है तो so इंडिकेट करेगा कि डायरिया में डिक्रीज है वाटर रिटेन हो रहा है वाटर बॉडी में प्रॉपरली है सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का मैं बता दूं जिसको सुनना है अदरवाइज आप स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हो सो so, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो सो so, दो बैचेस हैं मेरे पास एक है 1500 का बैच और एक है 2500 का बैच दोनों में ये डिफरेंस है कि ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है थ्री मंथ्स का ये बैच रहेगा बच्चे फुल फ्लेज फॉर आर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे पंद्रह सौ में थ्री मंथ्स हम प्रॉपरली लाइव एंड रिकॉर्डेड ये बैच रखेंगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का बैच उन बच्चों के लिए और ये बैच बिल्कुल परफेक्ट है अगर आर 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 बी का पेपर क्लियर करना चाहते हो क्योंकि आप बेसिक से जीरो से हीरो तक का पूरा बैच करोगे जीरो से नर्सिंग ऑफिसर लाइक फ्रॉम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी टू प्रीवियस ईयर पेपर सो हर एक टाइप का हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे पूरी थ्यूरी करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एम सी क्यूज टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर तो कोई भी बैच जो है विदाउट टेनी डीलिया आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके सो so, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे सो so, देखो क्वेश्चन है वन वन फाइव सिक्स पेशेंट विद हेमराइड्स आस्क द नर्स द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम द नर्स एक्सप्लेन दैट इट इज जनरली रिजल्ट्स फ्रॉम सो हेमराइड्स का कॉज पूछ रहा है पेशेंट नर्स को तो नर्स कह रही है जनरली किससे होते हैं ईटिंग स्पाइसी फूड डायबिटिक हाइपर टेंशन या कॉन्स्टिपेशन सो ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेमराइड्स का कॉन्स्टिपेशन बिकॉज अगर किसी को भी वहाँ पे जो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रही है सो ड्यूरिंग डेफिकेशन उस बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा और

सीरम सोडियम लेवल चेंज इन ब्लड बॉडी सॉरी वेट अपीयर्स ऑफ एंकल्स या फिर ब्रेथ साउंड्स ऑब्वियसली चेंज इन बॉडी वेट सो देखो बॉडी वेट का मतलब कैसे अगर आप क्या करता है सोडियम सोडियम वाटर की रिटेंशन कराता है और पेशेंट का वेट गेन होता है सो so, अगर आप रेगुलरली उसका वेट चेक करोगे तो आपको पेशेंट अब क्या कर रहा है सोडियम कम खा रहा है तो सोडियम नहीं है तो वाटर रिटेंशन नहीं होगी और पेशेंट का वेट गेन नहीं होगा ठीक है ना सो so, रेगुलरली आप बॉडी वेट चेक करके सोडियम लो सोडियम डाइट की इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलिंग कैन बी यूज फॉर अप्लाइंग अ मॉइस्ट हीट तो इनमें से क्या चीज जो मॉइस्ट हीट की तरह आप यूज करते हो सी बात एक्वापैड हॉट वाटर बैग या फिर कॉमर्शियल्स सो मॉइस्ट हीट होती है जिसमें आप हीट से मॉइस्चर थ्रू द मॉइस्चर जो है आपको रिलीफ मिल रहा है सो so इन क्या होता है सिट्स बाथ और सिट्स बाथ हम कहाँ ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन द हेमराइड्स में यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? और अगर किसी के एपिस यार्ट में हुई है वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है ठीक है सिट्स बाथ में कि MNO4 का सोल्यूशन डाला जाता है और वहाँ पर हम उसे दिन में उसको हम देते हैं क्लियर सिक्स so हम हेमराइड्स में यूज़ करते हैं बिकॉज हेमराइड में ये रिलैक्सेशन देता है पेन को और हम पेशेंट को कहते हैं कि आफ्टर एवरी बावल मूवमेंट आपको ये करना है उससे रिलैक्सेशन होती है नेक्स्ट है पेन रेडनेस वार्मनेस एंड स्वेलिंग ऑफ नी जॉइंट इन पेशेंट इंडिकेट्स तो जब पेशेंट को पेन रेडनेस वार्मनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द नी जॉइंट होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है सो so आप लोगों के पास ऑप्शंस है इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन थ्रोम्बोसिस डी जेनरेशन सो इट्स कॉल्स एन इन्फ्लामेशन इट इज अफ इनफ्लाशन के पेशेंट की ज्वाइंट इन्फ्लामेशन हो रही है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का था फ्लूड रिप्लेसमेंट फॉर बर्न पेशेंट कैन भी वैलुएटेड आफ्टर फोर्टी एट आवर्स तो फ्लूड रिप्लेसमेंट फॉर बर्न पेशेंट जो है फोर्टी एट आवर्स के बाद आपको कैसे इवेलुएट करनी है ऑप्शन है वेट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन आउटपुट पेरिफ्रल पेरिटोसिस। so, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि 48 एट आवर्स के बाद फ्लूड रिप्लेसमेंट आप बर्न वाले पेशेंट में कैसे चेक करोगे उसके वेट से यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से यूरिन आउटपुट से या फिर पेरीफ्यूल पेरिट्यूशन से ठीक है सो so, जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था मेजर क्लिनिकल इंडिकेटेड इन अ

ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है पूरा थ्री मंथ्स का फिफ्टीन हंड्रेड का ये बैच है ठीक है और ये जो पूरा बैच है ये है थ्री मंथ्स का आल्सो ये उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक क्लियर करना है फ्रॉम जीरो टू प्रॉपरली एम करने हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं ट्वेंटी एंड फिफ्टीन देखो थ्री मंथ्स प्रॉपरली है आर के पेपर के लिए सो आप अच्छे से अभी से ही डट जाओ मेहनत करना और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सो so, वो भी ट्वेल्व थर्टी एमसीक्यू क्लासेस देखो प्रीवियस सीरीज देखो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी यहाँ पे ठीक है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो मिलती हूँ कल की वीडियो में टिल देन डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट